नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी हम ले से बाहर निकले, होटल में थोड़ा क्या गर्म पानी नहीं था, ठंड थी थोड़ी, तो आज क्या ऐसे ड्राई क्लीन की व्यवस्था करी है। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं पेंगोंग लेक। अभी बज गए हैं हमारे 6:55, मतलब रफली 7 बजे हैं, और गाड़ी में 9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिखा रहा है। ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है कि कोई जान ही निकल जाए, लेकिन ठंड है। और गाड़ी बिल्कुल टेम्परेचर जो होता है ना, जो टेम्परेचर मीटर होता है, वो दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो यहाँ पे ना टेम्परेचर मीटर बिल्कुल ये है ना नीचे दिखा रहा है एकदम। तो ये मैंने पहली बार देखा है कि इतनी ठंडी गाड़ी है। शुरू शुरू में स्टार्ट करने में एक दो बार है ना सेल्फ लगाना पड़ा, और मैंने इसको स्टार्ट छोड़ रखी है ताकि थोड़ी गाड़ी गर्म हो जाए, और बाकी लोग आ रहे हैं तो जहाँ तक मुझे लगता है 5-7 मिनट में आ जाने चाहिए। सॉरी, ले में डला रहे हैं, और ये हमारा यहाँ की रेट है 89 रुपीज़ 39 पैसा। हम निकल गए हैं ले से, डीजल हमने डला ही लिया, थोड़ा सा महंगा है यहाँ पे, नीचे से 89 रुपीज़ के आसपास था। और अब हम जा रहे हैं पेंगोंग लेक, तो जनता से पूछते हैं सवाल, सर आपको कैसा लग रहा है पेंगोंग लेक जा रहे हैं ये सोच के? सर बहुत ही बढ़िया लग रहा है, वहाँ पे रिवर राफ्टिंग वगैरह होती है तो उसकी तरफ। पेंगोंग लेक में रिवर राफ्टिंग नहीं होती, ये जान के आपको दुख होगा। अच्छा सो हम मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैडम मैडम बहुत अच्छा लग रहा है। चॉपसी हो गई गाइस मेरी, तो ये चॉपसी नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं नॉलेज अपडेट। आपका नॉलेज अपडेट हुआ है। हार्ड वर्क इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट मैन कैन मेक, लिखा हुआ था साइड में। ये जे एंड के नंबर वाली गाड़ी, क्या सुंदर रोड बना रखा है, और राइट साइड में नदी बह रही है साथ साथ हमारे। अभी तक हम 1845 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं। ये वापस छाया आ गई, खूब सारी बाइक, शानदार शानदार, पूरे पेट्रोल पंप में बाइक ही बाइक भरी हुई है। सर जाके आ रहे हो कि जा रहे हो पेंगोंग? पेंगोंग। ये मैडम हमारी निहारिका जी, नमस्ते कर दो ऑडियंस। लगी तो है ही, चलो कोई बात नहीं, भाई साहब गिर गई है, हमने थोड़ी इनकी मदद कर दी, ये टकरा गया, सामान वामान गिर गया इनका। शिव ने हेल्प करी, पानी की बोतल दे के आ गया, सोम ने भी हेल्प करी, पानी वानी पिला के आए हैं उनको, ज़्यादा नहीं लगी उनको, लगता है वो मोड़ में घुस गए अंदर और फिसल के गिर गए। ऐसे वो आ रहे होंगे तो जब टर्न ले रहे होंगे ना, ऐसे रोड़ी थी वहाँ पे, तो उससे फिसल गए होंगे वो। अब हमको हमारी पहली बार परमिट चेक हो गई है, गाड़ी रोक करके पहले तो नाम पूछा, मोबाइल नंबर पूछा, गाड़ी का नंबर पूछा। तो जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी है वहाँ पे हरियाली है, और ऊपर रेगिस्तान देखो। कल मैं जब मैं ले पैलेस गया था ना, तो वहाँ पे जब हमने हाइकिंग करी थी, क्या बोलते रहे अंग्रेजी में पैदल चल के जाते, तो ट्रैकिंग की थी ना, तो वहाँ जब जो मिट्टी थी ना वो दरदरी सी एकदम, हमारी बालू जो होती है राजस्थान में उस तरीके की थी, बस थोड़े ग्रैनुल्स बड़े थे। तो हमको कौन मिला रास्ते में? याक है ना, थोड़ी सी डर गई है, और ये नीचे की तरफ जा रही है। कैमरा लिया, हेलो याक, हेलो। कोई भी आदमी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉर्न वॉर्न बजा के तेजी से आगे निकलना चाहे अगर आपके, तो अगर आप पहली बार आए और आपको मतलब सुरक्षित रहना है, भगवान ने आपको थोड़ा दिमाग दिया है, तो आप उसको आगे जाने देवें। जैसा अभी आपने देखा कि भाई साहब बाइक से आ रहे थे, सोलो थे अकेले, तो अब वो क्या क्या कारण हो सकता है, जैसे वो प्रोबेबिलिटी ये है कि या तो हो सकता है उनको हल्की सी गेल आ गई हो, या किसी गाड़ी ने ऐसे साइड में से क्रॉस किया हो तो उनका बैलेंस डिसबैलेंस होकर वो अंदर घुस गए कच्चे की तरफ, और वो जाके दीवार से टकरा गया, तो उनका सामने का जो ना प्लास्टिक पार्ट वगैरह टूट गया था, साइड मिरर भी है वो भी टूट के गिरा हुआ था। तो ये यहाँ पे छोटा सा एक टॉयलेट बना रखा है, माउंटेन कैफे, ब्रेकफास्ट एक ही। ये थोड़ा सा हमारा ऑफ रोडिंग टाइप की स्थिति आ गई है, सड़क का काम चल रहा है यहाँ पे।
सात बजे निकले हैं, हमारे को मन में चिंता ये सता रही है कि हमको वापस आने में कुछ चैलेंज आएगा तो हम वहीं रुक जाएंगे। डॉगी को देखो दरवाजे के पास आके बैठ गया, पे कुछ मिलेगा सोच के। ओ मेरे को देख रहा था घूर घूर। वापस नीचे बैठ गया। चलो भाई यहाँ रुके हम थोड़ा, क्या बोलते हैं, सुसु ब्रेक के लिए। ट्रेन जाता ना तो एकदम ऐसा अजीब, जैसे मैं नॉर्मल सिटी में रहते हैं तो ऐसे आवाज़ आती है ना बस की ऐसे ट्रेन जा रहा है, यहाँ पे लिटरली प्लेन के इंजन की आवाज़ आती है कि कैसे चल रहा है वो इंजन। तो दैट इज़ नाइस न्यू एक्सपीरियंस। सुबह पाँच बजे यहाँ पे 3-4 प्लेन जाते हैं, प्लेन हेलीकॉप्टर सारे। में जो एक संस्था है अपनी भारत सरकार की और आर्मी की, वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसका जितनी उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मतलब ऐसी जगह पे देखो, पूरे भाटे पत्थर कैसी जगह, देखो आप ऐसी जगह पे इन्होंने रोड बना दी। मतलब कम से कम हम लोग जा तो रहे ही हैं, मतलब जितनी तारीफ की जाए ना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की उतनी कम है। तो हमारी तरफ से सलाम प्राप्त करें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेहनत कश इंजीनियर्स है और जो प्लानर्स है और जो जितने मजदूर जो काम करते हैं ना यहाँ पे, उनकी भी बहुत तारीफ की जानी चाहिए। इंजीनियर्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, जेसीबी ऑपरेटर्स है, भाई साहब कितनी तो जेसीबी, कितनी मशीनें। एक तो जेसीबी की भी तारीफ करनी चाहिए, मेरे हिसाब से जेसीबी के आने के बाद भी काम काफ़ी आसान हुआ है। BEML की भी तारीफ करना चाहिए, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, वो भी एक संस्था है राज्य भारत सरकार की, वो भी बहुत शानदार इक्विपमेंट्स बनाते हैं। तो अब हम जिंगराल 1 किलोमीटर बाकी है और तांगस्ते 51 किलोमीटर बाकी है और हम खुद 1881.4 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं। अभी एक चीज़ नोटिस करी हम लोगों ने, 928 हो रहा है और जो हमारे सिम BSNL सिम जो और एयरटेल सिम हमने जो यहाँ ली थी जियो सिम, उसके नेटवर्क जा चुके हैं, दोनों सिम के आगे क्रॉस बन गया है और टेम्परेचर 4 डिग्री दिखा रहा है। तो मित्रों आपको जानदार वाली चीज दिखाते हैं, सबसे पहले तो दिखाते हैं ये देखिए बर्फ जमी हुई है पानी में, जो पानी का ये रखा हुआ है कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने ये सोम तोड़ रहा है। और सामने देखिए क्या दिव्य दर्शन, इधर वाली पहाड़ी में थोड़ी कम बर्फ है, उधर थोड़ी बढ़ रही है और बीच वाली जो पहाड़ी है वो तो बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई है। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग विच वी आर एक्सपीरियंसिंग। ये एक इंडियन ऑयल का टैंकर आ रहा है, ये भी एक मज़ेदार चीज़ है यार। इतनी मुश्किल जगह पे भी यार सिर्फ 4 रुपये महंगा डीजल दिया यार, इसके लिए भी इंडियन ऑयल को धन्यवाद। तो ये ज़रा तोड़ के दिखाएं, निहारिका जी आप ज़रा इसको तोड़िए, तोड़ना जोर से तोड़ दे दो। यस अब दिखा हाथ में लेके, ये देखिए दिस इज द बर्फ। अब इसमें स्टिल फोटोग्राफी बनती है पागलम। ये इंडियन ऑयल का टैंकर आया, ये देखो भाई लोग तो पानी टपक रहा था वो जम गया है ऐसे, ये देखो जमा हुआ तो जम रहा है और थोड़ी सी स्नोफॉल टाइप की फील आ रही है। ये देखो जमा हुआ गिरते गिरते जम गया, देखो यहाँ से पानी गिर रहा है जम गया, स्नोफॉल हो रहा है हल्का हल्का माइल्ड। टेम्परेचर जो है गाड़ी की स्क्रीन पे अगर आपको दिख रहा हो देख लो, माइनस 1 दिखा रहा है। हाँ
सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं बर्फ गिर रही देख के। और सोम क्या आया ही बर्फ के लिए यहाँ पे, तो ये बर्फ दिख गई पीछे, तो सोम गया बर्फ में हाथ लगाने के लिए। देखो जा रहा है, जल्दी लगा। विहंगम दृश्य इसको बोलते हैं, अद्भुत दृश्य, विहंगम दृश्य। रियर व्यू में भी देख लो सर, आपको दिख रहा है सोम दौड़ता हुआ आ रहा है, ये देखो थोड़ी सी बर्फ लेके आया है, ऐसा लग रहा है रुई उठा रखी है, रुई उठा के लाया। हाँ यार बिल्कुल रुई जैसी लग रही, एकदम ताजा माल, ताजा बर्फ, ताजा माल। चलो भाई देखो भाई साहब, पूरी बर्फ बर्फ चारों तरफ, एक है ना नेचर का एक अद्भुत कमाल है यहाँ पे, ये बर्फ है, टेम्परेचर -1 है लेकिन धूप भी लगी हुई है ना, ये एक अद्भुत चीज है। देखो माहौल, देखो माहौल 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 माहौल, ये तो आर्मी का कैंप दिख रहा है। मुझे अब लग रहा है कि ये जो साइड व्यू मिरर है ना, इसके ऊपर GoPro लगाने का, यहाँ पे GoPro लगाने का ऐसा कुछ अटैचमेंट लेके आना चाहिए था। फिर भी चलो, आपको अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक, क्या शिव क्या क्या बोलते हैं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, ये सारे कर देना। शिव तो अभी थोड़ा बोलेगा डांट के, शिव बोलते ना एक बार तेरी स्टाइल में पूरा। अरे यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ है, कर दो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, चलते हैं। ये कैरी मिनाटी का है ना, नकल कर रहा है। नहीं कैरी मिनाटी ऐसे नहीं बोलते भाई साहब, इसका तो वीडियो बनता है। देखो ये पॉटी है, खड्डा बना हुआ बस नीचे, जैसे पुराने जमाने में होती थी ना वैसे, ये बाथरूम है। ये अब हम आ गए चांगला बाबा, ये चांगला बाबा है। देखो पूरे कितने सारे झंडे लगे हुए, खूब सारे लोग खड़े हैं, चांगला बाबा का स्थल है ये। सोम फिर बर्फ खाने गया है, बर्फ खोर जा सी, तू भी जाके आ जा। चांगला बाबा की जय हो, ये मंदिर है चांगला बाबा का, देखो ये फोटो खिंचवा रहे हैं लोग अच्छी अच्छी एकदम स्टाइल में। पीछे देखो यार विहंगम दृश्य दिख रहा है आपको, पीछे बर्फ एकदम मस्त। ये निहारिका जी आ रही है हमारी चांगला बाबा के साथ, हम मैं और निहारिका पारिक चांगला बाबा में। रुद्रेश्वर शिव सर क्या पी रहे हो आप, कावा, झूठा है साला, मतलब बिल्ट अप बनाने में तो एक्सपर्ट ही है। क्या मैंने कहा क्या पी रहा हूँ, कावा, जबकि पी रहा चाय है। कितने रुपए की आई चाय, 40 रुपए की चाय पी रहा हूँ मैं इस रेस्टोरेंट में, चांगला कैफेटेरिया 17,586 फीट, एजेंसी टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी ले, ठीक है 40 रुपए में बेचारा चाय दे रहा है, यही बड़ी बात है। ये देखो मैं, मेरे साथ है सोम कंथारिया, और ये निहारिका जी है, और ये हमारी क्या चल रही है निहारिका जी, हमारी क्या चल रही है पौड़ी, घर में चाय हाथ में गिरती है तो गुस्सा आ जाता है, मजा आ रहा है। ये हमारी हीरोइन खड़ी है, सांस तो फूलता थोड़ा है ना, तो थोड़ा देखना प्रिकॉशन रखना। अच्छा ये तो जा ही रहे, ये देखो साइड में बर्फ बर्फ पूरी जमी हुई है, बर्फ पूरी बर्फ बर्फ, सामने से फौज की गाड़ी। अभी मैंने एक फौज वाले भाई साहब से बात करी, वो बता रहे थे कि 3 महीने की ड्यूटी लगती है। देखो बर्फ बर्फ सोम, बर्फ में लेट के फोटो खिंचाना चाहे तो खेस खिंचवा सकता है, फुस देने से अंदर घुस जाएगा। बर्फ का आनंद, जीवन का आनंद लीजिए आप, मैं कैमरा चालू ही रख रहा हूँ।
जगह जगह पे एवलेंच एरिया स्टार्ट्स, एवलेंच एरिया एंड्स ऐसे लिखा हुआ है। तो एवलेंच आता होगा ना, जिसमें तेज बर्फ का क्या तूफान समझ लो। और ये देखो, ये जो है ना, ये देखने लायक है कि पूरे पत्थर ऐसे दर दर दर। और ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाले यहाँ पे रेगुलरली ये जो पत्थर सड़क पे आ जाते हैं ना, उसको हटाते रहते हैं कि पत्थर है, कहीं से भी पत्थर आ गया आकर खोपे में, ये सब पत्थर सड़क पे आ गए। जीवन का दिव्य दर्शन। एक हाथ से कैमरा पकड़ रहा हूँ, एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ, तो इसलिए हो सकता है थोड़ा एंगल एंगल गड़बड़ हो जाए, तो कॉम्प्रोमाइज कर लेना, क्योंकि सोहम खुद का वीडियो बना रहा है। नहीं, मैं बना लूंगा ना। तो कोई बात नहीं, अभी मजा आ गया, मतलब बस भाई साहब, बस मजा आ गया। मजा एक्सप्लेनेबल नहीं है वर्ड्स। अब मैं क्या बोलूं, मतलब बस अब दूसरा वर्ड नहीं पता मेरे को, मतलब सर टेंपरेरी रास्ता बनाया हुआ होता है और सामने एक बाइकर भैया भी है जो खूब सारा सामान कैरी करके लेकर जा रहे हैं। क्या रास्ता? हां, ये है क्या, खींच नहीं रहा है, गाड़ी नहीं खींच रही उनकी। किसने बोला क्या रास्ता है वो देखो, मैं ब्रिज पे चढ़ गया। ऐसा भी टेम्पो ट्रैवलर वाले, ये एक्चुअल में बाहर का है, PB है ना, पंजाब के नंबर की गाड़ी है, इसलिए इनको थोड़ी सी प्रिकॉशन से चला रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, इनकी तारीफ होनी चाहिए, ही इज वेरी कॉशियस। हैं? वो एक चश्मा रह गया, तू वहां तक लेके जाओ ना, आधा किलोमीटर फिर वापस। अपना मोमेंटम नहीं ले रहा ना भाई गाड़ी का। हमारे साथ एक भैया आए ट्रैवलर से, इनका सनग्लास पीछे रह गया था, आधा पौन किलोमीटर के आगे थोड़ा, तो अभी हमारे साथ जा रहे हैं अपना सनग्लास लेने। कहाँ से हो भाई साहब? गुजरात। कौन जगह? भावनगर। हमारा भावनगर, हमारा जगन्नाथ जी का मंदिर है, जगदीश जी का, हमारे फैमिली का है। रास्ते में इतनी अच्छी अच्छी लाइनें लिखी हुई थी, धीरे चलाएं गाड़ी, रास्ता है पहाड़ी, हमें भारत पे नाज है, और हेलमेट पोम्पी होती है ना, जब शिव छोटा था ना तो हेलमेट को पोम्पी बोलता था, हमें भारत पे नाज है और हेलमेट सर का ताज है। और ताज के साथ साथ आपका अभी जो भाई साहब गिरे थे ना, वो तो क्या उस टाइम कैमरा चालू नहीं था, तब नहीं था, वो देखने में आनंद आता उसको, जाके उनका हेलमेट दीवार से ही टकराया था। ये पूरा जो लेक है ना, ये जमा हुआ है, इसका आनंद लीजिए आप। ठीक है भाई साहब, हमारा चैनल है इंटीरियर दोस्त व्लॉग्स, तो आप देखना, आप आओगे उसमें, ठीक है? इंटीरियर दोस्त व्लॉग्स देखना आप, सही है, आप दिखोगे उसमें। ये जा रहा है पेंगोंग लेक, बस यही है, यही पापा, यही है। हमने उनके 5-6 हजार रुपए बचाने में मदद करी। ठीक है, रस्ते में एक बाइक वाले भाई साहब जो दीवार से टकरा गए थे, उनकी मदद कर दी,
भगवान क्या है, खुद नहीं आते, किसी किसी को भेजते हैं, जा बेटा ये काम करके आ, मुन्ना जा ये काम करके, है ना। तो सोहन जी आपका इस बारे में क्या विचार है? पता नहीं, वो उसकी मर्जी पे डिपेंड करता, तू ऐसे भगवान पे डिक्टेशन नहीं चला सकता, ठीक है, भगवान पे भरोसा नहीं रखेंगे क्या यार? भगवान पे जो भरोसा, भगवान पे जो भरोसा नहीं रख सकता ना, उसको गधा कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, उल्लू कहते हैं, बुड़बक कहते हैं, पाजी कहते हैं, क्या बोलते हैं, चपड़गंजू कहते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी कहते हैं, खामोश। अब यार मैं बंद ही नहीं कर सकता कैमरा, भाई साहब मेरा पूरा डेटा भर गया है, यहाँ की गोरैया अलग तरीके की है, मेरे को दिख गई, मेरे को क्या चिड़िया बर्ड्स बहुत अच्छे थे। एक और लेक आ रहा है, उसमें लेकिन जमा हुआ नहीं है, वो मुझे लग रहा है मेल्ट हुआ हुआ है। ये देखो विहंगम दृश्य, सामने से हमारे क्रांतिकारी बाइकर्स आ रहे हैं, इनका भी सम्मान है, ये जो एक्सपीडिशन करते हैं ना बाइक पे, इसका एक अलग मजा है, तकलीफ का भी एक मजा है, मालूम है क्या आपको? तुझे 25,000 इंटू एवरेज 12K लीटर, 12,000 लीटर है, 5 लीटर नहीं, यानी कि 60,000 लीटर पेट्रोल जा रहा है, डीजल फ्यूल जो भी है, 60,000 इंटू ऑन एन एवरेज अगर 90 किया जाए तो कितने रुपए का सामान जा रहा है, देख सकते हैं आप, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक कितनी सुंदर सी छोटी सी, जब पानी बह रहा है पत्थरों के एकदम उसमें से, ये देखो कितना अच्छा दृश्य है, ये मेरे को लगता है नदी, पहले जमाने में जब नदी थी ना, ये ऊपर थी तो ये साइड का, इधर का राइट साइड का पत्थर दिखाना सुबह इधर के, ये देखो ये पूरी नदी के अंदर जो पत्थर होते हैं ना, जो जमीन होती है वो है, और नदी सूखते 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 ये कितनी कम हो गई है, तो पहले इतनी ऊंची बहती थी ये नदी, तो ये पूरा नदी के अंदर ही गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए आप, बहुत साल पुरानी कोई नदी होगी उसके अंदर हम गाड़ी चला रहे हैं। यहाँ पे ट्रक सो रहा है, उसको आराम करने देते हैं, उसके आराम करने के चक्कर में यहाँ जाम लग गया, ये क्रेन व्रेन आके खड़ी है, ऑयल टैंकर है, सबसे मेजर बात यह है ये वन वे हो गया रास्ता, हमारे बाइकर जगह से सब निकल रहे हैं, बड़ी गाड़ियाँ एक बार इन ढलान पे रुक जाती है तो फिर ऊपर लेने में दिक्कत होती है, और ये बहुत प्यारा सा व्यू हमारे पास में, टेम्परेचर अभी नॉर्मल है, 9.5 मतलब 9 डिग्री 10 डिग्री के आसपास ही है, ठंड है बट यस काम चल जाएगा। लगता है काफ़ी लंबा जाम लगने वाला है, इस तरफ की सारी गाड़ी रोक दी है, हमारे आर्मी ऑफिसर्स वगैरह सब तैनात है, थोड़ी मस्ती करने के लिए थोड़ा आगे जा रहा हूँ, यहाँ पे भाटे वगैरह तो है ही बट कॉन्टेंट, पापा बोलते हैं कि कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए हम आगे जा रहे हैं। यहाँ तक वो देख कैसा लग रहा है, ऑयल यहाँ तक बह के आ गया था, आगे गाड़ियाँ रोक दिया और पैच करके रोकी है गाड़ियाँ। ये सोहम जी हमारे साथ, कैमरा मैन पारिक के साथ, ठंड है जी, फिसल गई, टेम्परेचर हो गया 12 डिग्री सेंटीग्रेड और पहले था -1, तो कभी माइनस कभी प्लस, कभी प्लस कभी माइनस, प्लस माइनस देखते रहो प्लस माइनस देखते रहो, अरे वेरिएशन देखो कितना है ना, कभी ज्यादा कभी कम, कभी गर्मी कभी ठंड कभी ज्यादा कभी कम, कभी गर्मी कभी ठंड, यूं ही लद्दाख घूमते रहो शिव तेरे पास कोई लाइन है तो ऐड कर दे, अभी अभी सब सोचना पड़ेगा, अगला गाना तू बनाना।
ये हम अभी दुर्बुक करके जगह है रस्ते में, वहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी खाने की सुविधाएं हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह बनी हुई हैं खूब सारी, और हमने जो चारों तरफ इधर भी है इधर भी है, ये थोड़ी पक्की बनी हुई है एक तरफ की। अभी हमने राजमा राइस का ऑर्डर दिया है, काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। ये भाई साहब महाराष्ट्र में कहाँ से हो भाई साहब, जरा आपकी शक्ल दिखाओ। मैं हूँ महाराष्ट्र से, नागपुर से। नागपुर से, ये देखो हमारे मेरे साडू भाई के शहर से है, और इनका नाम है मंगेश। तो बुलेट लेके आए हैं, तो बुलेट में जैसे अपने हिंदुओं में संस्कार होता है ना, कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसका मुंडन कराने ले जाते हैं अपने देवी देवताओं के। तो बुलेट का ऐसा है कि बुलेट जैसे कोई आदमी खरीदेगा वो सबसे पहले आएगा कहाँ, लद्दाख। ये आगे देखो खूब सारे राइडर्स है इसमें। आजकल जो है ना बुलेट से ज़्यादा जो है मेरे को लगता है हिमालयन का ट्रेंड ज़्यादा है, तो हिमालयन लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, ज़्यादा आजकल हिमालयन का ट्रेंड हो गया लगता है। तो ये हमारा राजमा राइस आ गया है। सोम सर चावल नॉर्मली खाते नहीं है। ये मेरे दोस्त हैं नवनीत कंथारिया जी, उनका बेटा है, उनके भी खूब सारे कानून होते हैं, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता। तो अभी बेचारा राजमा राइस इसको खाना पड़ रहा मजबूरी में। ये हमारे पुत्र रत्न ये खा रहे हैं राजमा राइस। इसका सबसे बेस्ट आइडिया है, मैं एक आइडिया बताऊँ, आइडिया इसमें बीच में खड्डा करो चावल में, जैसे मसाला मिलाते ना सीमेंट मसाला, हाँ, और उसको मिला के पूरे को मिला लो एक बार में, तो तुमको खाने में मजा आएगा। वाह, के नाम भाई? सौरभ हो, दार्जिलिंग को भेटो मलाई, अब म कर्सियङ को दार्जिलिङ को म कर्सियङ को, ये खुशी लाग्यो। ये हम लोग राजमा चावल खा चुके हैं और अब हम चाय पी रहे हैं। चाय भी बढ़िया अच्छी क्वालिटी की है, कड़क मज़ेदार, ऐसी जगह भी इतनी बढ़िया चाय मिलती है, मज़ा आ जाता है। अब ये क्या है, आपको मैं रसगुल्ले का टेस्ट बताऊँ ना, वैसी स्थिति है। कैमरा तो मेरे हिसाब से किसी हालत में इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता कि कितना अच्छा दिख रहा है, लेकिन जो एक्चुअल में देखने में जो फीलिंग आ रही है, मज़ा ही आ रहा है।